बात होगी मंत्रिमंडल विस्तार की। दरअसल कई दिनों से ये अटकलें थी और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कल मोहन कैबिनेट का विस्तार संभव माना जा रहा है। कल सुबह 9 बजे मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे 2 चेहरे। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों को मौका मिलेगा मोहन कैबिनेट में। एक नाम है, बड़ा नाम है रामनिवास रावत का, और रामनिवास रावत को माना जा रहा है कि मंत्री बनाया जा सकता है, और इनके साथ ही कुछ और अन्य चेहरों को भी मौका मिल सकता है। अमरवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह का भी नाम चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 10 तारीख को चुनाव है और इसी के साथ रिजल्ट आने में थोड़ा डिले होगा, लेकिन इस बीच माना जा रहा है कि कमलेश शाह को भी मौका मिल सकता है मोहन कैबिनेट में। मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रहलाद पटेल ने चुप्पी साधी है और कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें भी मौका मिल सकता है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और नए चेहरों को मौका मिलेगा। वो कौन कौन से चेहरे हैं, संभवतः कई नाम सामने चल रहे हैं जिन्हें माना जा रहा है कि मोहन कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और काफ़ी दिनों से ये अटकलें थी, इसके संकेत भी मिल रहे थे, क्योंकि कई बार दिल्ली दौरे पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तमाम शीर्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसको लेकर ये माना जा रहा था, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्दी एमपी में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कैबिनेट में फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा और कुछ नए चेहरे इस बार कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। वो चेहरा, सबसे पहले नाम तो निकलकर सामने आ रहा है रामनिवास रावत का ही, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे चुनाव के समय में, और अब माना जा रहा है कि रामनिवास रावत को मौका मिल सकता है। इसी के साथ कुछ अन्य चेहरे जिन्हें मौका मिलेगा मोहन कैबिनेट में, जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इस बीच जब प्रहलाद पटेल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जाहिर है उन्होंने अपनी चुप्पी साध ली है, पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थे प्रहलाद पटेल और अन्य मंत्री भी, हालांकि कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि कल सुबह 9 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी, जी हां, छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात को लेकर संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान और कहा कि छत्तीसगढ़ में भी होगा कैबिनेट का विस्तार, इंतजार कीजिए, यह बात कही है। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मानसून सत्र होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां सरकार की? सब तैयारी है, पूरी तैयारी है, इंतजार करिए। तो एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं सीएम साय ने क्या कहा। एक तरफ एमपी में भी, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी, और उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, और यह बात कहते हुए उन्होंने संकेत जरूर दे दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी जो 2 मंत्री पद खाली हैं उन्हें भी भरा जाएगा, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल अब सांसद बन गए हैं, तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है विधायक पद से भी और मंत्री पद से भी, और उनके बाद अब किसे मौका मिलेगा यह देखना होगा। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश को लेकर भी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राकेश, और साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नितिन नामदेव। सबसे पहले रुख करेंगे राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश को लेकर आपसे जानेंगे कि कल 9 बजे तक मोहन कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। सबसे पहले तो नाम आ रहा है राकेश रामनिवास रावत का, लेकिन और कौन कौन से वो नाम चल रहे हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा मध्य प्रदेश में?
देखिए बिल्कुल, कल सुबह 9 बजे मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का पहला विस्तार संभावित है। कल 9 बजे का समय बताया जा रहा है और यदि ये विस्तार होता है तो एक नाम पर हम मुहर लगा सकते हैं, वो नाम होगा रामनिवास रावत का, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और लोकसभा चुनाव के बीच जब वो कांग्रेस विधायक कांग्रेस जो से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी ने उनके उस इलाके की लोकसभा सीट भी जीती। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में होगा तो पहला नाम रामनिवास रावत का ही होगा। विजयपुर सीट से वो विधायक हैं, फिलहाल वो कांग्रेस के विधायक, अभी उन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा नहीं दिया है और यदि कल वो उनको मंत्री बनाया जाता है तो सबसे पहले उनको विधायक पद से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब अगला जो चुनाव की कड़ी है बुधनी के बाद वो रामनिवास रावत की विधानसभा जो कि विजयपुर है वहाँ पर उसकी नौबत आएगी। वहीं दूसरे नाम की चर्चा जोरों पर है लेकिन उसको लेकर कई तकनीकी पहलू हैं। तकनीकी पहलू ये हैं कि जो दूसरा नाम है वो कमलेश शाह का है जो कि अमरवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उन्होंने तुरंत विधायक पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट भी जीती। अमरवाड़ा जो सीट है जो जहां से कमलेश शाह विधायक थे जो कांग्रेस के खाते की थी वो भी विधानसभा भी बीजेपी ने जीती है लोकसभा चुनाव में। अमरवाड़ा से बीजेपी को बढ़त मिली है। अब कमलेश शाह को यदि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो तकनीकी पहलू क्या है, क्या किसी प्रत्याशी को जो कि आचार संहिता लगी हुई है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं क्या उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी इस बीच की जो तमाम तकनीकी पहलू हैं उनको लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश मंथन का दौर जारी है। ठीक है राकेश, लेकिन इस बीच अब छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। नितिन मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बताइए कि छत्तीसगढ़ को लेकर, हालांकि एक तरफ मध्य प्रदेश की स्थिति संभवतः साफ होती हुई नजर आ रही है विस्तार कैबिनेट विस्तार को लेकर, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ को लेकर स्थिति साफ नहीं है लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं कि जल्द ही, कब तक ये नहीं पता लेकिन जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी। देखिए जानकारी आ रही है कि कुछ ही दिनों की बात है इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो दो मंत्री के पद खाली हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सांसद बनकर गए हैं दिल्ली रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, उनका एक पद खाली है, इसके साथ ही एक मंत्री पद पहले से ही मुख्यमंत्री के पास है। तो बताया जा रहा है कि मानसून सत्र भी जो है आने वाले 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा, उसके पहले ही बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो दो मंत्री पद खाली हैं उस पर लगातार तेजी से विस्तार होता नजर आएगा। आज भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर संकेत दिए हैं कि जल्द ही जो दो मंत्री पद खाली हैं उस पर जो है जल्दी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि लगातार जब भी मुख्यमंत्री से सवाल किए जाते हैं कि जो दो मंत्री पद खाली हैं उस पर नियुक्ति कब की जाएगी, तो सीधे रूप का उनका यही बयान आता है कि जल्द इंतजार करिए जल्द पूरा हो जाएगा, आज ही ऐसा ही बयान आया है। तो देखिए संकेत हालांकि मुख्यमंत्री देते नजर आ रहे हैं लेकिन इस बात की आम जनता को भी चिंता है, छत्तीसगढ़ के बड़े जो जननेता हैं उनको भी चिंता है, क्योंकि आने वाले समय में मानसून सत्र है और इसी को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार जगन्नाथ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलते हुए नजर आए। उन्होंने भी यह कहा है कि इस अभी मैंने भी उनसे बातचीत की है और उनका सीधे रूप से यह भी बयान आया है कि आने वाले मानसून सत्र के पहले ही नियुक्ति हो जाएगी। तो देखिए कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार तेजी से कयासों का दौर भी चल रहा है। अब रही बात छत्तीसगढ़ से कि जो दो मंत्री हैं वो किसको बनाया जाए, तो रायपुर की बात की जाए तो रायपुर से 2 से 3 ऐसे नाम हैं, हालांकि बीजेपी चौंकाने वाले नाम लगातार सामने लाती रही है। इसमें जो तेजी से नाम सामने आ रहे हैं जिसमें अजय चंद्राकर है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, राजेश मूढ़त है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 2 से 3 बार का इन दोनों को ही अनुभव है। इसके साथ ही और भी ऐसे नाम हैं, इसके साथ ही लता उसेंडी जो चुनाव प्रभारी बनाई गई हैं वर्तमान में और उड़ीसा की प्रभारी बनाई गई थी और बड़ी लीड से उड़ीसा को जीत भी हासिल हुई है। रेणुका सिंह है, सीएम की दावेदार थी लेकिन जो है उन्हें अभी मंत्री भी नहीं बनाया गया। तो हो सकता है ऐसे 3 से 4 नाम हैं जो मंत्री पद की लिस्ट में हो, हालांकि बीजेपी लगातार चौंकाने वाले नाम जारी करती नजर आई है। तो देखिए ये कयासों का दौर है, आने वाले कुछ ही दिनों में जब मंत्री पद की लिस्ट जारी होगी तो देखने वाली बात होगी कि किसको जो है छत्तीसगढ़ में जो दो मंत्री पद हैं वो मिलने वाला है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, शिक्षा मंत्री का पद काफी बड़ा था जो बृजमोहन अग्रवाल के पास था, धर्मस्थ मंत्री था, पर्यटन मंत्री था, आबकारी मंत्री, ऐसे बहुत सारे पद अभी खाली हैं जो दो मंत्री को काबिज करने हैं। तो देखिए आने वाले समय में जब मंत्री पद की लिस्ट जारी होगी तब देखने वाली बात होगी। फिलहाल लगातार संकेतों का दौर भी जारी है, कयासों के दौर भी लगातार जारी है। अब देखना होगा कि किसको छत्तीसगढ़ में दो मंत्री पद मिलते नजर आएंगे। जी राकेश, अगर हम समझने की कोशिश करें कैबिनेट विस्तार को लेकर तो क्या
महिला, किसी महिला का नाम भी सामने आ रहा है। और क्या लगता है आपको कि बीजेपी कुछ ऐसे समीकरण बिठाने की कोशिश कर सकती है जहां से बीजेपी को थोड़ा डेंट लगा, जहां पर बीजेपी थोड़ा वीक हुई है, उस जगह को मजबूत करने के लिए हो सकता है कि वहां पर कोई दांव चल सकती है, कि उस जगह से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है कैबिनेट में? देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल मंत्रिमंडल के समीकरण समझे, विस्तार को लेकर समीकरण समझे, फिलहाल प्रदेश में 4 मंत्री पद खाली हैं, जिसमें से जो मोहन, डॉक्टर मोहन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी सीटें भरने के मूड में नहीं हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की ये जो कवायद क्यों चल रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हाल ही में 6 महीने हुए, पूरा गठन पहले हुआ है। दरअसल इसलिए की जा रही है कि जो रामनिवास रावत हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जब वो विधायक थे और बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, उसमें चर्चा हुई थी कि वो बीजेपी में आ जरूर रहे हैं, लेकिन ये गारंटी है उनके आने से लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे की होगी, लेकिन इसके बदले में इनाम क्या मिलेगा। कुछ ऐसी ही बात है, हम कमलेश शाह को लेकर कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा में बीजेपी ने एक जो बड़ा मिशन था, जिसकी नज़र अमित शाह तक के छिंदवाड़ा सीट पर थी, अब छिंदवाड़ा सीट बीजेपी के कब्जे में कैसे आए, वो तमाम फॉर्मूले निकाले गए। और ये जब फॉर्मूलों की बात हुई तो कमलेश शाह का नाम निकल कर सामने आया, जो कि राजवंश से हैं, उनके क्षेत्र में प्रभाव है, और बीजेपी मानकर चल रही थी यदि जो अमरवाड़ा सीट है वहां से बीजेपी की जीत हुई तो छिंदवाड़ा सीट बीजेपी के कब्जे में हुई होगी, और हुआ भी वही, कमलेश शाह को बीजेपी में लाया गया। हालांकि कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन करते ही तुरंत विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, और नतीजे की हम देखें तो अमरवाड़ा सीट से बीजेपी की बढ़त मिली है और छिंदवाड़ा सीट बीजेपी के कब्जे में है। अब जो विस्तार की बात इसलिए है कि अब इनको इनाम देना है, जिन्होंने अपने विधायक थे विधायक पद छोड़ दिया, कमलेश शाह ने, रामनिवास रावत पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि आप विधायक पद क्यों नहीं छोड़ रहे बीजेपी में शामिल होने के बाद भी, तो इनको अब जो है इनाम देना है। और फिलहाल जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद है इसलिए की जा रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो 4 सीट खाली है, 4 पद खाली है, चारों पद नहीं भरे जाएंगे। हाँ, 2 पद जरूर भरे जा सकते हैं, बड़ा आसान है, आगे समीकरण जो साधने के लिए 2 सीटों पर चर्चा करेंगे, और यही कारण है कि रामनिवास रावत और कमलेश शाह दोनों के नाम चर्चा में है। ठीक है, और नितिन, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की भी, तो छत्तीसगढ़ को लेकर, एक तरफ कैबिनेट विस्तार को लेकर जो भूपेश बघेल की ओर से कहा गया कि गुटबाजी है बीजेपी में, कहीं इस वजह से देरी हो रही है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, समझ में आती हैं कि कहीं गुटबाजी की वजह से देरी हो रही है कैबिनेट विस्तार में? देखिए, ऐसी फिलहाल स्थिति नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत नज़र आती है। यहाँ पर आप पिछले दिनों की बात की जाए तो लगभग 35 साल लगातार विधायक थे और 7 बार के विधायक थे, 8वीं बार चुनाव जीत कर आए थे, मैं बात कर रहा हूँ बृजमोहन अग्रवाल की। जब ऐसे बड़े नेता को जो है एक ही आदेश पर सांसद के चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से गुटबाजी का दौर फिलहाल हर पार्टी में रहती है, बीजेपी में होगी, लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आने वाली अगर मंत्री पदों की बात की जाए तो इसको लेकर भी लगातार पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाते नजर आए थे, और बड़े जो जेपी नड्डा हैं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्षेत्र के विकास को लेकर भी लगातार चर्चाएं हुई थी, तो यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब भी मुख्यमंत्री आएंगे और जल्द ही 1-2 दिनों में जो है 2 मंत्रियों के नाम जो है जारी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरे तरीके से दो मंत्री के जो पद थे वो पूरे तरीके से थम गए। अब यह जो है कयास यह लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो 2 मंत्री के पद हैं वो काबिज हो सकते हैं, इसको लेकर लगातार जो है आदेश भी आएगा, हो सकता है मुख्यमंत्री एक बार फिर से दिल्ली जाते नजर आए और लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात करते नजर आए। फिलहाल कयासों का दौर है, आने वाले समय में 2 पद जल्दी काबिज हो जाएंगे, यह संकेत जरूर मिले हैं कि मानसून सत्र के पहले 2 मुख्यमंत्री, मानसून सत्र के पहले तक ये कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ठीक है नितिन, बहुत धन्यवाद, और राकेश आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।